नमस्कार मित्रों, बजरंगी स्टडीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.6 तक अपन लोग बात कर चुके थे रॉली और लांगराज। अब आते हैं इसके बाद में इसके मैथ्सलेनियस अपन लोग बात कर रहे हैं क्लास 12। आना प्रश्नावली 7 विभेद। कहने का मतलब सिंपल सा है, आप लोग अवकलन सीख गए होंगे और अवकलन के ऊपर क्वेश्चन अपन लोगों के पास में आएंगे। अपन की बात में पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन बिल्कुल मस्त सा क्वेश्चन है। एक्स रूट एक्स, मैं इसका भाई एक्स के हिसाब से अवकलन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का जानते होंगे क्या होगा साहब, ठीक है ना। आप लोग डी एफ ऑन डी एक्स लगाते रहे ना, मैं नहीं लगाऊंगा, या वाई बराबर यदि कल को कर दू तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोले तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर। अब अंदर जा करके अपन लोग इसका करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्स की पावर 3/2। यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो साहब ये क्या है, एक्स की पावर 3/2, एक एक्स पूरा एक आधा है साहब, ठीक है साहब। एक्स की पावर 3/2 का यदि अपन लोग करने जाएं तो क्या होगा, घात आगे और एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, इसी प्रकार से होगा ना भैया। तो अपन लोग बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कर दिया, तो एक्स की पावर क्या है 3/2 का स्क्वायर अपने पास में आ गया। इधर यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या हो गया 3x, एक घटा दूंगा तो क्या हो गया 1/2। तो dy अपॉन dx यदि मैं बात करूं तो क्या हो गया 3 अंडर रूट x बटे अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा भैया, है ना। तो स्क्वायर में क्या गुणा होता है ना, गुणा में क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब, ये मेरे पास में इसका क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज जी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको घुमाया है, तो आप लोगों को नहीं घूमना है, बस बिल्कुल शांति के साथ में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स क्या है एक्स बटे 2 बटे बटे में क्या है सब अंडर रूट है ना 2x+7, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ अपन लोग बात करें भाई, यू अपॉन वी लगने वाला है, क्या लगने वाला है यू अपॉन वी, यू अपॉन वी का मतलब क्या होता है यू डैश वी u v डैश बटे वी स्क्वायर, ठीक है। तो वही अपन लोग करेंगे, पहले का अवकलन cos इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साहब, ठीक है साहब। दूसरा भाई साहब ऐसे कैसे 2x+7 है ना, इसके बाद में माइनस भैया पहले वाला ऐसे कैसे cos इनवर्स x बटे 2, इस रूट का क्या होता है 1/2 √x, 2 √x 2x+7। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये रूट का हुआ है और अंदर जाएंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2 है ना, 7 का 0 तो बोले क्या हो गया साहब 2 से 2 कैंसिल आउट। नीचे मैं बात करता हूँ, हर का स्क्वायर वी का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2x+7 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हर का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यदि यहाँ मैं बात करूँ तो मेरे को एलसीएम एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम क्या दिख रहा है, एलसीएम में यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास में एक तो यही दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है सब 1 - x/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है ना, 2x+7 ऐसे करके, इधर से ये कट गया ये बच्चे इसका गुणा इससे किया तो क्या हो गया 2x+7, ठीक है सब अंडर रूट जाना भी है ना, बीच में ये माइनस है, इधर से ये कट गया बचा ये, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या हो गया अंडर रूट 1 - x/2 का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। इधर से स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, बचा क्या 2x+7, समझ रहे हो ना। अब मैं आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर तो क्या बचा भैया 2x+7 माइनस अंडर रूट 1 - x/2, चाहो तो इसका भी एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो तो आधा और 1/3/2 हो जाना है अंडर रूट 1 - x/2 और ये क्या हो गया 2x+7 की पावर 3/2, ठीक है ना। इसमें समझ रहे होंगे आधा ये रहा एक ये रहा, ये इसी के पास जाएगा तो मेरे पास में आंसर अपन लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग ये नहीं जाए कि साहब आंसर सीट के आंसर पे जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप लोग बैठे होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आंसर सीट का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर सीट का आंसर वो लोग लगाते हैं जो सवालों को रट के या कॉपी करके जाते हैं ना, और ऐसे में एग्जामिनर की उनके अंकों को इतने बेहतर तरीके से वर्क नहीं करता है अंकों पर, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। हाँ साहब, इसके बाद में अपन लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या है साहब कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स है ना, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, आप लोगों को पकड़ना है बहुत ही बेहतर तरीके से, गजब क्वेश्चन है साहब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अपने को पकड़ना है, ठीक है ना। 1 - sin x, ठीक है, बटे में अपन लोग क्या करने वाले हैं, बटे में करने वाले हैं यही अंडर रूट 1 + sin x
है ना, और प्लस है ना, माइनस है, सॉरी। ठीक है सर, क्या है, वन प्लस साइन एक्स, ये प्लस है, ये माइनस है, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, कुछ ऐसा करके अपने को दिया हुआ है। इसके अंदर देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ ना, बाकी का दूसरा अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, वन प्लस साइन एक्स का मतलब क्या होता है। वन प्लस साइन एक्स का मतलब देखो इतना सा है, ये गौर फरमाने की बात है, जो सिखा रहा हूँ बड़े काम की चीज है ना। साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, बिल्कुल अपने दिमाग में जेहन में रख लो साहब, ठीक है ना। साइन टू एक्स को फॉरवर्ड, एक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ साहब, सिंपल सी बात है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स होती है सर, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ, मेरे पास में कहानी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे करके कहानी बन गई है ना। तो ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात करूँ, क्या आने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे यदि होल स्क्वायर की बात करूँ, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो कहानी क्या आ गई, साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू। अब जरूर मैं अगली बात जो आपको बोलूं, वो आपको एक बार में पकड़ में आ जानी चाहिए। कल को यदि वन माइनस साइन ऐसे करके होता, तो क्या यही आंसर साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू नहीं आता क्या भैया? क्योंकि ये जो माइनस था, माइनस यहाँ आता, तो माइनस टू ए भी बनता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, बस यहाँ मेरे को पकड़ लेना, लिख देना मान रखने पर था, ठीक है, बिल्कुल इज्जत के साथ में करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये अपने को आना चाहिए, इसकी ये ट्रिक है ना, ये काफी सारे क्वेश्चनों में यूज होती है ना। अपने को देखना है वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू है साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू, है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू। सिंपल सी बात कर सकता हूं मैं, इधर भी मैं नीचे भी बात करूं, इसकी वैल्यू क्या है, साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू, है ना, और इधर मैं बात कर रहा हूँ माइनस, ठीक है, ये गया, क्या बचा, साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू, ठीक है सर। इधर भी मैं बात करूँ तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, इधर साइन से, ठीक है ना, इधर मैं बात कर रहा हूँ, ये माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस ये प्लस हो जाना भैया, साइन से साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास में कहानी क्या बनी, ठीक है ना, कॉट इनवर्स क्या हो गया, टू साइन इनवर्स, है ना, सॉरी, साइन एक्स वाई टू बटे कितने हो गए, दो कॉस एक्स वाई टू। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग कॉपी कर रहे हैं किसी गाइड वगैरह को या कहीं से ऐसा कॉपी कर रहे हैं, तो वो लोग देखो उनको क्या पता भैया, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली क्या बना के लाएंगे, कॉस बटे साइन बना के लाएंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे, साइन प्लस कॉस की जगह कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये मैं भी कर सकता था, लेकिन ऐसे नहीं, अपन जेन्युइन ही चलें, जैसे अपन लोग ईमानदारी से चलते हैं ना, ठीक है ना, कहीं से कॉपी राइट ना मारे। तो अपन लोग क्या है कि ध्यान रखना, झूठन खाने की आदत अपनी नहीं है, ठीक है। तो साइन बटे कॉस क्या हो गया, टेन टेन बना, तो कोई बात नहीं, अपने कोई फांसी तोड़ लगी, टेन को बदलना अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से लोग होशियारी दिखा देते हैं, लो साहब बहुत बेहतर किया मैंने, बेहतर क्या किया यार, कहीं ना कहीं से गाइड वाइड से कॉपी कर रहे थे, ठीक है ना। तो ध्यान दो भैया, कॉट से कॉट गया, पाई वाई टू माइनस एक्स वाई टू, एक्स के सापेक्ष स्थिति में अवकलन करता हूँ, तो इसका तो जीरो माइनस ये डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दूँ, वाई बराबर ले लूँ, लिख लेना, और इसका क्या हो गया, एक बटे दो, ये इसका ये माइनस एक बटे दो, क्या है आंसर हो जाना है, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है। इस प्रकार से अपन लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं नॉर्मली। एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर चार और देख लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर चार क्या है, क्वेश्चन नंबर चार के अंदर मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था भैया, एक बिना लॉग वॉक के एक थ्री डॉट को मारा था मैंने, है ना, और मैंने आपको यही नहीं यू डॉट भी बताया था, यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू भी बताया था, तीन फलन हो तो उस कंडीशन अपन लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स क्यूब डॉट ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स, इस प्रकार आज यू डॉट भी नहीं है ना, यू डॉट भी नहीं है, ठीक है ना। एक तीसरा और तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसको यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो अपन लोग वही एक्स के साथ क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, तीन एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैंने इसका क्या बताया था, पहले का कर दो बाकी दो छोड़ दो, ठीक है सर, पहला छोड़ दो दूसरे का कर दो तीसरा छोड़ दो, पहले दो छोड़ दो तीसरे का कर दो भैया। तो देखो एक का कर दिया बाकी का छोड़ो, ठीक है, उसके बाद क्या करें, पहला भैया छोड़ो दूसरे का करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन एक्स, समझ लो। अब तीसरे का करें भैया एक्स क्यू ई की पावर एक्स
कॉस एक्स। अब कॉमन सोमन लेना करना आपका काम, आप लोग कर लेना, मेरी तरफ से अवकलन हो गया भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर यदि पांच की बात करूं, ये चौथा था, पांच की और बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर छह लॉग लेके किया जाएगा भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पांच पे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है, क्वेश्चन नंबर पांच है लॉग एक्स बटे ए की पावर एक्स, है ना। तो इसको अपन लोग लॉग एम अपॉन एन जानते हो क्या? अरे बच्चे बच्चे जानते इसको तो यार। हाँ सर, ध्यान से बताओ आई जाओ, ये क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस लॉग ए की पावर एक्स हो गया क्या, लॉग ए की पावर एक्स हो गया ना। वेस वेस इसने बताया नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ज्यादा कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। एक्स को आगे ले आता हूँ मैं, लॉग एक्स माइनस एक्स आ गया क्या, लॉग ए बिल्कुल कर सकता हूँ, मस्ती में क्या दिक्कत आ रही है ना, घात आ गया जाती है। तो एक्स के साथ उसके अवकलन करता हूँ, वाई बराबर वाई बराबर वाई बराबर मान लो, और ये सब अवकलन होकर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स माइनस जीरो टू बी, पहले का वन दूसरा ऐसे कैसे, अरे ऐसे ऐसे दूसरा क्या है, लॉग ए है कॉन्स्टेंट है, लॉग ए और एक्स का क्या हो गया वन, तो क्या हो गया वाई बराबर वन अपॉन एक्स माइनस लॉग ए, आटा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस प्रकार से हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ में बने रहें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, तब तक के लिए बजरंग स्टडी की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।